कोलकाता में महिला डॉक्टर की हुई निर्मम हत्या पर दुर्ग में डॉक्टरों ने आक्रोश जताया। साथ ही इस दौरान आईएमए दुर्ग भिलाई से जुड़े जिले के सभी डॉक्टरों ने एक दिन काम बंद हड़ताल कर प्रदर्शन किया और रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बीते दिनों कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या एवं डॉक्टर्स से मारपीट के इस निंदनीय घटना के विरोध में दुर्ग में शनिवार को एक दिन का काम बंद कर विरोध जताया गया। इस दौरान आईएमए दुर्ग भिलाई से जुड़े सभी डॉक्टरों ने बैठक बुलाकर इस घटना का विरोध किया और जमकर आक्रोश जताया। डॉक्टरों के साथ भी यही होता है और आपने डॉक्टरों से जिंदगी की देता है, ऐसा नहीं मरीज अगर एक्सपायर हो जाता है और वापस हो जाता है उसका, तो डॉक्टरों को खुशी हो नाना से पैसेंट से नहीं होगी, एक पैसे के जाने से दुखी का होता है। कब तक हम लोग सहेंगे? बहुत हो गया, बहुत हो गया। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, कुछ नहीं। गौरतलब है कि कोलकाता के आर जीकर मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही महिला डॉक्टर से दरिंदगी पूर्वक मारपीट कर हत्या करने एवं विरोध प्रदर्शन में बैठे जूनियर डॉक्टर्स के साथ असामाजिक तत्वों की भीड़ के द्वारा जबरदस्त मारपीट एवं अस्पताल में बुरी तरह से तोड़फोड़ कर दहशत फैलाने के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राष्ट्रव्यापी सामान्य चिकित्सा सेवा जैसे प्राइवेट क्लिनिक व ओपीडी सेवा, ऑपरेशंस, डायग्नोस्टिक संस्थान आदि बंद रख प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद डॉक्टरों ने रैली निकालकर इस घटना का विरोध जताया और आक्रोश जताया और साथ ही विरोध प्रदर्शन के साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में शामिल डॉक्टरों ने प्रतिक्रिया दी। कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई है, इतनी बर्बर घटना हुई है और इतनी निशंस घटना हुई है कि इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए वो कम है। देखिए, महिलाओं को हर जगह सेफ रहने का अधिकार है, ये हमारा अधिकार है जिसका हनन किया जा रहा है। और जिस प्रकार से महिलाओं के अगेंस्ट जो शारीरिक हिंसा हो रही है उससे ये दर्शाता है। देखिए, 2012 में जब निर्भया हत्याकांड हुआ था तब हमको ये लगा था ये अल्टीमेट ये है, इंसिडेंट है। इसके बाद समाज में ये जागरूकता आ जाएगी, लोगों में ये जागरूकता आ जाएगी कि महिलाओं को एक आपने सम्मान देना है, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। परंतु और उस समय ये नारे भी लगते थे कि निर्भया हम शर्मिंदा है, तेरे हत्यारे जिंदा है। उनके हत्यारों को शायद कानून ने सजा दे दी है, पर मैं बहुत दुखी मन से आज ये कह रही हूँ कि वो मानसिकता आज भी जिंदा है कि किसी भी महिला को अगर आपने पनिश करना है, चाहे कोई भी रीजन रहा होगा, तो आप इस प्रकार से उसके साथ बिहेव नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है, निश्चित रूप से ये हमारा अधिकार है पढ़ने का, ये हमारा अधिकार है आगे बढ़ने का, तो इसमें सामने वाले को आपत्ति क्या होनी चाहिए? जिस प्रकार से मुझे जानकारी मिली है सोशल मीडिया से कि उस लड़की ने कुछ एविडेंसेस कलेक्ट कर रही थी जो भी वहाँ पे घटनाक्रम हो रहा था, तो क्या ये उसकी गलती हो गई? और उसकी इस गलती की सज़ा इस प्रकार से हो कि वो लड़की जो अपने सपने साकार करने के लिए मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, उस बच्ची के साथ आप इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये समाज में क्या संदेश जाता है? जितनों के माता पिता जिनकी बच्चियां बाहर हॉस्टल कॉलेजेस में पढ़ रही हैं उनके मन में आज एक डर है ये, और ये डर सिर्फ इसलिए है कि हमारे समाज में ये मानसिकता आज भी जिंदा है। मोदी जी ने जो दिया है नारा, वो बहुत अच्छा नारा है कि लड़कियां सशक्त बने। हमारी लड़कियां सशक्त हैं, निडर हैं मानसिक रूप से, हाँ फिजिकली थोड़ी सी वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, परंतु आज का जो नारा होना चाहिए और आज के इस घटना के बाद मैं समझती हूँ हमको लड़कों को समझाना है, पुरुषों को समझाना है कि इस प्रकार से आप लड़कियों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। मानसिकता आपको जो है महिला विरोधी वो बदलनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आज के ज़माने में आप लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं तो उनके लिए आपको उनके वर्क प्लेस में, उनके कॉलेजेस में, उनकी शैक्षणिक संस्थाओं में, जहाँ भी वो रहती हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्टल्स हैं, वहाँ पर आपको एक जो सेफ्टी प्लान है, महिलाओं को किस प्रकार से एक सुरक्षित माहौल दिया जाए, उसके लिए शासन को, सरकार को इस पर फिर से चिंतन मनन करके कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप सब जानते हैं लड़कियों को सेफ रहना है, लड़कियों को खुद से खुद की परिवार से रक्षा करनी है, ऐसे लोगों से रक्षा करनी, परंतु जब तक कानून नहीं होंगे इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। वर्क प्लेस पे जो सुरक्षा का माहौल है उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि भाई हर प्रकार की सुरक्षा आपको मुहैया की जा रही है, परंतु अगर उस लड़की को जो वर्किंग आप
मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात ही ले लीजिए, उनके जो वर्किंग आवर्स हैं इतने इतने जटिल हैं, लंबे लंबे समय तक उनको ड्यूटियाँ करनी पड़ती हैं, उनके लिए प्रॉपर रहने की व्यवस्था नहीं होती है, रिफ्रेशमेंट होने की व्यवस्था नहीं होती है। तो ये सारे जो हैं कि मेडिकल कॉलेज में, हॉस्टल्स में इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था, इस प्रकार के इंतजाम होने चाहिए ताकि वो निर्भीक होकर अपनी ड्यूटी कर सके, और उनके ड्यूटी आवर्स भी इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि आप इस प्रकार की घटना हो सके। दूसरा, हमने एक दिन का सांकेतिक हड़ताल तय किया है कि आज 17 तारीख को पूरा सुबह से रात देर रात तक के या कल सुबह तक के हम जो अपने ओपीडी सर्विसेज और जो सामान्य सर्विसेज हैं इसको बंद करके रखेंगे, और इसके बाद इस चीज़ों का क्या सुलझाव हो पाता है इसके अनुसार आगे के निर्णय लेंगे कि हम आगे क्या कदम उठाएं। न्याय में देर बहुत हो रही है, और जो न्याय देने का जो एक प्रक्रिया या कह लो जो एक स्टेप्स हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं कि दिन ब दिन डॉक्टर के ऊपर जो अत्याचार और जो कष्ट वाली जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और जो समस्या हुई है उसके सुलझाव के बारे में ठोस कदम अभी नज़र नहीं आ रहे। छत्तीसगढ़ की सरकार से हमारा अनुरोध ये है कि जो चिकित्सा संस्थान है ना, सभी क्लिनिक्स, अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर्स, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। और हमारी एक सबसे बड़ी मांग है केंद्रीय सुरक्षा कानून, केंद्र सरकार को एक हम मांग करते हैं कि एक पूरे देश में एक जैसा एक कानून बनाए कि सारे डॉक्टर और चिकित्सा संस्थानों की जो सुरक्षा है उस कानून के तहत सुरक्षित हो। मेरे ख्याल से इसमें क्यों और किसको दिक्कत हो रही है समझ में नहीं आ रहा है, जबकि ये आज समय की मांग है। आप सभी और हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर्स, अस्पतालों में कई घटनाएँ दुर्घटनाएँ हुई हैं, पर संभवतः यह अपने आप में एक क्रूरतम और जघन्यतम घटना है जिसमें एक प्रशिक्षु डॉक्टर को मेडिकल कॉलेज के अंदर ही दिन दहाड़े भीड़ के अंदर ही न सिर्फ रेप का शिकार होना पड़ा बल्कि उसका मर्डर भी हुआ। और इस घटना को लगभग 8 दिन बीत चुके हैं और वहां पर अभी भी डॉक्टर्स के द्वारा प्रोटेस्ट जारी है। उसके बावजूद परसों 14 अगस्त को करीब 5,000 से 7,000 लोगों ने अस्पताल में हमला किया, पथराव किया। ये पूरी तरह से प्रशासन की का फेल्योर है, और यदि प्रशासन सजग रहता उस घटना के बाद भी तो न सिर्फ कल्प्रिट पकड़े जाते बल्कि दोबारा ये जो 14 अगस्त को घटना हुई कतिपय नहीं होती। मैं पूरी तरह से ये मानता हूँ कि इसमें पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन, वहाँ की सरकार, वहाँ मेडिकल कॉलेज का मैनेजमेंट, वहाँ की पुलिस सभी जिम्मेदार है, और हम डॉक्टर्स इस घटना की घोर निंदा करते हैं। कोलकाता में जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज में वहाँ की प्रशिक्षु महिला चिकित्सक जिसका बलात्कार किया गया, उसके बाद में उसकी जघन्य हत्या की गई, उस हत्या के विरोध में और साथ ही जिस तरह से वहाँ के प्रशासन ने ढीला रवैया अपनाया और उसके ऊपर में लीपापोती करते हुए समय नष्ट किया, उसके साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की, जो प्रशिक्षु छात्र वहाँ के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो हड़ताल में बैठे हुए थे इस घटना के विरोध में, उनके ऊपर में घातक हमला किया गया, अस्पताल के भीतर में लगभग 5,000 से अधिक गुंडे जो है वो अस्पताल के भीतर घुसे, जिसका कि संज्ञान स्वयं हाईकोर्ट जस्टिस ने लिया हुआ है, और उसके लिए उन्होंने वहाँ के प्रशासन को भी जो है फटकार लगाई है। उस समय जो वहाँ पर मरीज भर्ती थे उनकी शामत आ गई, कई जो प्रशिक्षु डॉक्टर थे वे भी उसमें घायल हुए हैं। इन सब घटनाओं के विरोध में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम आज यहाँ पे कलेक्टर को ज्ञापन देने वाले हैं जिसके कि हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं वेस्ट बंगाल सरकार उसको जो है यहाँ पे हम ज्ञापन देके जो है अपनी विरोध प्रकट करने वाले हैं, और साथ ही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाए, उसको गिरफ्तार करके उनको सजा दी जाए, क्योंकि जिस तरह से एक हत्यारे के ऊपर में, एक व्यक्ति के ऊपर में हत्या का आरोप लगा के और उसने बड़ी आसानी से सब कबूल कर लिया, ये भी जो है वो संदेह को जन्म देता है। अभी हमें पूरा विश्वास है कि सीबीआई जो इस मामले को अपने हाथ में लेकर कार्य कर रही है वे निश्चित रूप से जो है इसमें सफल होंगे और न्याय मिलेगा। साथ ही हमारा आईएमए की तरफ से जो वर्षों से लंबित डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए जो उसका चिकित्सा सुरक्षा अधिनियम जो है उसके लिए हम जो डिमांड कर रहे हैं वो हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द लागू हो, डॉक्टर जो है वो सुरक्षित रहें और निर्भयता पूर्वक कार्य कर सकें, तभी जो है वो मरीजों की सहायता कर सकेंगे और उनको सेवा दे सकेंगे। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।